हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई नेम इज़ अमन गोजरे एंड यू आर वॉचिंग टेक टॉक। और अगर गाइज आप एक SSD लेने की प्लान कर रहे हो या फिर SSD वाला लैपटॉप लेने की प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इस वीडियो में मैं टोटली आपको SSDs के बारे में बताने वाला हूँ। बिकॉज ही हाल ही में मैं भी अपने लैपटॉप में जो है वो SSD लगवाने गया और उसके बाद मैंने थोड़ी SSD के ऊपर रिसर्च करी तो मुझे काफ़ी सारे खुलासे यहाँ पे SSD के बारे में पता लगे कि कौन सी SSD आपको लगानी चाहिए, कौन सी SSD आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। सो मैंने सोचा आपके लिए भी एक वीडियो बना देनी चाहिए, हो सकता है आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। तो अगर आप भी जानना चाहते हो SSD के बारे में तो बने रहिए मेरे साथ एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो यार इस चीज़ के बारे में जानने की ट्राई करते हैं कि आपको SSD लगाने की ज़रूरत क्या है। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क है तो उसके अंदर क्या है, एक रोटेटेबल पार्ट होता है, एक डिस्क होती है जिससे कि आपका डाटा जो है वो रीड एंड राइट होता है। मतलब कि आपको जो सॉन्ग्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो सब आपको लैपटॉप में दिखाई देती हैं। आपकी विंडोज़ जो है वो वर्क करती है, वो तब वर्क करना शुरू करती है जब उस हार्ड डिस्क के अंदर जो एक डिस्क होती है वो घूमना स्टार्ट करती है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SSD की, तो SSD के अंदर कोई भी रोटेटेबल पार्ट नहीं होता है, यानी कि कोई भी उसके अंदर जो पार्ट होता है वो मूव नहीं करता है। यहाँ पे उसके अंदर आपको कुछ चिप्स देखने को मिल जाती हैं जिनमें मेमोरी जो है वो हमारी स्टोर हो जाती है, विंडो स्टोर हो जाती हैं, पिक्चर स्टोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो काफ़ी जल्दी होने लगती है। यहाँ पे अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे वो भी जल्दी होएगा, सॉफ्टवेयर भी काफ़ी जल्दी उसे ओपन हो जाएंगे, गूगल क्रोम जल्दी ओपन होगा, विंडो जो आपकी बूट का टाइम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि आपकी विंडो जो है वो ज़्यादा जल्दी ऑन होगी, ज़्यादा जल्दी आप उसको ऑफ कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो है आपके PC को काफ़ी ज़्यादा फास्ट बना देती है अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हार्ड डिस्क से। सो दोस्तों, इससे ये चीज़ तो साबित होती है कि आपको SSD की ज़रूरत क्यों है और क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली यही इसकी एडवांटेज है कि इसकी जो लाइफ है वो भी हार्ड डिस्क से ज़्यादा होती है, आपका जो डाटा होता है वो भी इसके अंदर ज़्यादा सिक्योर रहता है, बिकॉज हार्ड डिस्क के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ SSD से। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपके लैपटॉप को बना सकते हैं इन द टर्म्स अगर मैं बात करूँ इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे हार्ड डिस्क से। अब सेकंड बिग क्वेश्चन, अगर आप SSD एक परचेज करने जाते हो तो ये मन में उठता है कि SSD आपको कौन सी लेनी चाहिए। पहले तो काफ़ी तरह की यहाँ पे SSDs आती हैं, NVMe SSD आती है, M.2 आती है, एक सिंपल 2.5 इंच की जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क होती है उस तरह की SSD आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको इन सब SSDs के बीच में भी डिफरेंस जानना है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपके लिए एक वीडियो बनाने की। सो गाइस, हमें ये तो पता लग गया कि SSD से हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है, काफ़ी तरह की SSD आती हैं, लेकिन अब ये कैसे चूज़ करें कि हमारे लिए जो परफेक्ट SSD है वो कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए, काफ़ी सारी यहाँ पे आपको SSD देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी सारी कंपनीज की SSD देखने को मिल जाएंगी, बट मैं यहाँ पे आपको टू ब्रांड की SSD जो है वो रेकमेंड करूँगा। पहली है WD यानी कि वेस्टर्न डिजिटल की, उनकी SSD जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। हार्ड डिस्क भी अगर आप देखोगे, अगर आपने कोई भी लैपटॉप लिया है अगर आप उसको खोल के देखोगे तो उसके अंदर भी आपको WD की ही यहाँ पे हार्ड डिस्क नेचुरली जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो SSD में सेकंड बड़ा ब्रांड जो आपको देखने को मिलता है वो है सैमसंग। सैमसंग की SSDs भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। पहले मैं यहाँ पे आपको WD की SSD के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे इनकी तीन तरह की SSD जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। पहली यहाँ पे आती है ग्रीन कलर में, और जो ग्रीन कलर की SSD है उसकी प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ 250 GB वाली की, तो ये कुछ आपको पड़ने वाली है 2200-2300 रुपये के करीब। और अगर मैं इसकी यूसेज की बात करूँ तो अगर आप डेली का कुछ काम करते हैं, लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, थोड़ी बहुत एडिटिंग करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, इंटरनेट पे आपकी वर्किंग रहती है, मतलब मल्टीटास्किंग थोड़ा अगर आप काम करते हैं तो उस सिनेरियो में ये जो SSD है आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और अगर मैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ तो वो 500 MB के करीब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, बट ये थोड़ी सी स्लो है नेक्स्ट वाली हमारी SSD से। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 200 WD की तरफ से ब्लू SSD आपको देखने को मिल जाती है, जिसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे इसके अंदर आपको 500+ MB/s की रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। तो अगर आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, फोटोशॉप करते हो, मल्टीटास्किंग का काम काफ़ी ज़्यादा करते हो तो ये वाली जो SSD है ये आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, बिकॉज इसके अंदर आप काफ़ी अच्छे से मल्टीटास्किंग कर पाओगे, अच्छे से वीडियोज भी क्रिएट कर पाओगे। अब 4K हो सकता है शायद उतनी स्मूथ ना चले, बट नॉर्मल वीडियोज के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रहने वाली है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको M.2 SSD देखने को मिल जाती है, जो कि आती है WD की तरफ से ब्लैक में। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा कि आपका जो लैपटॉप है या PC है वो M.2 SSD को सपोर्ट करता है या फिर नहीं करता है। तो ये जो ब्लैक SSD है ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। इसकी अगर मैं रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे 3500+ MB/s की यहाँ पे आपको रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके अंदर जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। और यहाँ पे ये हाई लेवल का, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो, हाई एंड पे एडिटिंग करते हो, तो ये वाली SSD जो है वो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सैमसंग पे मूव करूँ तो सैमसंग के अंदर भी आपको इसी तरह दो तीन कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे सैमसंग की पहली जो SSD आती है वो आती है 860 EVO के नाम से। यहाँ पे ये ग्रे कलर की SSD है और इसकी अगर मैं रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको रीड एंड राइट स्पीड 500 MB+ मिल जाती है। और इसकी प्राइसिंग आपको 4000 से 4200 तक मिल जाएगी आपको अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे। और इन सभी SSDs के जो लिंक हैं गाइज वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहाँ से जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना तो यहाँ पे ये जो SSD है ये WD Blue के कंपैरिजन में यहाँ पे निकल के आती है, बिकॉज इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक रेड कलर की SSD भी देखने को मिल जाती है सैमसंग की तरफ से, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो थोड़ी और भी ज़्यादा बेहतर है, बट इसकी जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी एग्रेसिव चली जाती है। यहाँ पे इसकी प्राइसिंग अराउंड आपको 7-8 हज़ार रुपये के करीब ये SSD पड़ने वाली है, बट ये थोड़ी सी और हायर वर्क के लिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं इनकी टॉप SSD की बात करूँ जो कि M.2 SSD है, वो आती है 970 EVO के नाम से। और इसकी जो रीड एंड राइट स्पीड है वही आपको 3600 MB/s के करीब आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। और इससे अच्छी SSD जो है वो अभी तक नहीं बनी है, इससे ज़्यादा फास्ट SSD आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो गाइज ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे SSDs के बारे में। आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। एंड अगेन सभी SSDs के जो परचेजिंग लिंक हैं WD के भी और सैमसंग के भी, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस। और अगर वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।